शहर के व्यस्त कर्ण गेट बाजार और कुंजपुरा रोड मार्केट में यातायात नियंत्रण को लेकर एक अच्छा प्लान बना है, जिसकी आगामी 1 अप्रैल से शुरुआत होने जा रही है। प्लान के तहत फिलहाल कर्ण गेट मार्केट के आसपास के रास्तों पर 4 बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी। मार्केट में आने वाले ग्राहक हों या दुकानदार, अपने वाहन आसपास की पार्किंग में खड़े करके मात्र 50 से 100 मीटर की पैदल दूरी तय करके प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकते हैं। जरूरत है कि लोग इसे समझें और उस पर अमल करें। सब कुछ सुहाना लगेगा। आपको बता दें कि गुरुवार को उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ निशांत कुमार यादव ने ट्रैफिक नियंत्रण के प्लान को लेकर कर्ण गेट बाजार और कुंजपुरा रोड मार्केट के दुकानदारों के साथ डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में बैठकर कई घंटे तक मंथन किया और इसका प्रभाव देखने के लिए सभी ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। उपस्थित दुकानदार अपने सुझाव भी देते रहे। जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में बताया गया कि पहली बैरिकेडिंग महर्षि वाल्मीकि चौक से कर्ण गेट मार्केट की तरफ मुड़ते हुए, दूसरी सदर बाजार की ओर से आते गुड़ मंडी के प्रवेश के पास, तीसरी सचदेवा स्वीट्स के पास और चौथी ट्रैफिक पुलिस पोस्ट से कर्ण गेट मार्केट की ओर आने वाले रास्ते पर रहेंगी। सभी जगहों पर पुलिस या होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर रहेंगे। बैरिकेडिंग का समय प्रातः 9 या 10 बजे से रात के करीब 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद आने जाने वालों को कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि 9 बजे के बाद अमूमन व्यस्त बाजार बंद हो जाते हैं। मीटिंग में उपायुक्त ने प्रतिष्ठान मालिकों या दुकानदारों के सुझाव पर एक अच्छी बात कही कि पहले इस पायलट स्टडी को 1 सप्ताह के लिए कर्ण गेट मार्केट के लिए लागू करके देख लेते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इसे कुंजपुरा रोड मार्केट पर भी लागू कर देंगे। 1 सप्ताह में कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ी तो उसका भी पता लग जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व इमरजेंसी व्हीकल बैरिकेडिंग से अंदर आ सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल तक करीब 6 दिन हैं। इससे पहले लोगों को जानकारी देनी जरूरी है ताकि लोग इसे समझ सके। ये ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए नायाब साबित होगा। सर क्या कहेंगे सर, जो कर्ण गेट एरिया है उसको व्हीकल फ्री जोन? 1 अप्रैल से हमने कुछ पार्किंग डेवलप की है स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसमें एक हमारा तो ओल्ड सब्जी मंडी वाला जो एरिया है उसको पार्किंग बनाया है, एक ओल्ड MC के बिल्डिंग का जो एरिया उसको पार्किंग बनाया है, और आने वाले समय में रामलीला ग्राउंड, ओल्ड अनाज मंडी और जनरली कोठी, इनको भी पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसके जब चूँकि पार्किंग की फैसिलिटी डेवलप होगी है, तो जो कंजेस्टेड मार्केट्स थे उनको नो ट्रैफिक जोन हम जो है कोई फिक्स टाइमिंग्स पे सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक करेंगे। इस संदर्भ में आज हमारी जो व्यापारी एसोसिएशन है इन सबसे बैठक हुई, साथ में जो RSO है रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पदाधिकारियों से भी बैठक हुई, पुलिस से SP साहब भी थे, तो हम सब ने इस पर चर्चा करके प्लान तैयार किया है। और 1 अप्रैल से कुछ जो रोड्स हैं, विशेष रूप से जो हमारी करण गेट मार्केट के सामने वाली रोड है जो कंजस्टेड है, और फिर आने वाले समय में 15 दिन बाद से जो हमारा कुंजपुरा रोड मार्केट है उसको भी जो है नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर करके, और वहाँ ताकि जो लोग आएँ उनको सारी सुविधा मिले, नॉन कंजस्टेड एरिया मिले, और फिर वहाँ जो और फर्दर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे टॉयलेट्स की हों, चाहे वाटर ATMs लगाने हों, या वहाँ फर्दर कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन और बाकी कॉम्पिटिशन कराने हों, इस तरह की गतिविधियाँ कराएंगे ताकि मार्केट में भी लोगों का आना जाना बढ़े। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।